जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देखें हिदायत मैगजीन। मेरा नाम तौकीर अब्बास है, हमारे साथ मौजूद हैं आर्यन आतिक लंदन से और अमेरिका से मौजूद हैं अली अब्बास ताज। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म के हवाले से और मीडिया का जो रोल है उस पर, इसके अलावा जो तकफीरी जमातें हैं, कलदम तंजीमें हैं, उनके सियासी हमारी क़यादत के साथ क्या किस तरह के ताल्लुकात हैं, फंडिंग उनको कहाँ कहाँ से होती है, हमने तफसीलन उस पर बात की। हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, मैं आलिया नातिक को शामिल करता हूँ कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो तकफीरी जमातें हैं वो एक ही मसलक या मोतदिल मसालिक जो होते हैं उनको ही क्यों निशाना बनाते हैं, और इस तरह की एक फ़ज़ा क्यों क्रिएट की जाती है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो है फसादात की एक फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या वो अगर वो इसमें कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ चल जा सकता है? पहली बात तो ये क्लियर करते हैं कि ये जो दहशतगर्द जमाते हैं, खासतौर पर जो तकफीरी देवबंदी हैं, ये सिर्फ शिया मसलक के लोगों को निशाना नहीं बनाते। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, डेटा भी अवेलेबल है कि इन्होंने मजारात पर और सुन्नी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अटैक किया है। ये भी एविडेंस मौजूद है कि अहमदी पे होने वाले अटैक भी इन्हीं की तरफ से किए गए। मिसाल के तौर पर लाहौर में अहमदी मस्जिद पर जब अटैक किया गया जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए, तो उस पर अटैक करने वाले लोग तबलीगी जमात ट्राइबल के हेडक्वार्टर में ठहरे थे। इसी तरह सुन्नी तहरीक की 2009 में कराची में लीडरशिप को अटैक किया गया, 50 से करीब कंट्री बॉय लीडरशिप को मारा गया, वो भी जो बंदी जमात से ताल्लुक थे, और पिछले 3-4 सालों के अंदर 29 दरबारों के ऊपर, श्राइन्स के ऊपर अटैक किए गए हैं, वो भी इन्हीं लोगों ने किए हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये सिर्फ शियों को नहीं मार रहे, सबको टारगेट कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल कि इसे डिसमेंटल करने के लिए या सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा रहे, तो सिविल वॉर की तरफ तो हम फिलहाल नहीं जा रहे। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ वन साइडेड एक वायलेंस हो रहा है। अगर हम अगर सिविल वॉर की तरफ ये सिचुएशन जा रही होती तो शायद बहुत पहले जा चुकी होती, क्योंकि ये वायलेंस 30-40 साल से जारी है। 20-22 हजार शियों को मारा जा चुका है, और जो यही लोग जो कंट्री वाइड दहशतगर्दी की लहर चला रहे हैं, जैसे 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं, उस तरफ से भी कोई रिटेलिएशन नहीं है। तो ये एक वन साइडेड एक जेनोसाइडल प्रोपोर्शन में वायलेंस किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। इससे जहां तक डिसमेंटल करने की बात था, तो एक चीज तो हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जब हम सियासी जमातों का या पोलिटिकल लीडरशिप का जिक्र करते हैं, तो इस सारे सिलसिले के अंदर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी में सबसे अहम चीज और किरदार आपकी फौज का, आपके दिफाई इदारों का, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। ये सारी चीजें जहां तक हम पहुंचे हैं, इसका ताल्लुक एक खास नरेटिव से, एक खास नजरिए से है जो फौज ने एक दौर में इस्तेमाल किया, और इसे खत्म करने में भी पहला कदम उन्हीं को उठाना होगा। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ या मसले के हल की तरफ हम तब बढ़ेंगे कि जब फौज में ये रियलाइजेशन आ जाएगी कि जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने एक मदरसा नेटवर्क शुरू किया था, जिसमें खास मकतबा फिक्र को उन्होंने परवान चढ़ाई। डेटा के मुताबिक देवबंदी मकतबा फिक्र की आबादी पाकिस्तान में 15% है और मदरसों में उनका शेयर 72% है, 72%। तो इससे ये चीज वाजह है कि आपकी रियासत में आपके दिफाई इदारों ने एक खास मकतबा फिक्र के मदरसा नेटवर्क को बनाया ताकि खास किस्म को इन्हें ग्रेजुएट्स मिले और वो एक जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, अफगानिस्तान और कश्मीर में जिहाद के नाम पर कत्लो गारत कर सके। तो पहला कदम फौज की तरफ आएगा, और सियासी लीडरशिप जो शायद खौफ का शिकार है या बैकफुट पर है और इतनी इनमें पोलिटिकल विल नहीं है कि वो खुद से इस पर कोई कदम लें, तो वो शायद फौज के पीछे ही चलें, क्योंकि ये चीज वाजह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी के सारे मामला आपकी फौज ही चलाती है। तो मेरे ख्याल में तब्दीली की तरफ तब जाएंगे जब फौज में रियलाइजेशन होगी और सियासी क्यादत उनके पीछे ही चलेगी। ठीक है अली, आप मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि फौज की तरफ से अब मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसी इंडिकेशंस हैं कि इस वक्त फौज अपने बंदे भी मरवा रही है, इन लोगों से लड़ भी रही है मुख्तलिफ जगहों पे, और बहुत ज्यादा कमिटेड भी है, और उनकी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से भी बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं कि वो अब तबलीगी जमात को, जो एक जमाने में जैसे अले सही कह रहे हैं कि अपना एक फिफ्थ एक वेपन समझते थे, अब बहुत सारे फौज के ब्लॉग्स पे या इधर उधर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है
हमें लग रहा है कि उनमें कम से कम एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फोर्स ऐसी है जो कि इन लोगों को अब अपना एसेट नहीं समझ और अपनी लाइबिलिटी समझती है और समझती है कि इनको खत्म करना है। अच्छा, जो सवाल था उसमें ये था, पहले जो आले नाथिक से मैंने किया था कि पाकिस्तान में जो ये शिया सुन्नी रिफ्ट बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि शिया क़यादत या दूसरी जो सुन्नी मोतदिल जमातें हैं उनकी क़यादत का ये उनको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने इस मसले को बड़े एक अहसन तरीके से इसको हैंडल किया और पाकिस्तान में उस फ़ज़ा को कायम नहीं होने दिया जो जिसकी ये लोग कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इनकी देखें ये इतने सालों से लगे हुए हैं जनरल ज़िया के ज़माने से और अभी तक ठीक है उन्होंने बहुत सारे सुन्नी सूफी और बहुत सारे शिया और बहुत सारे मतलब 50,000 से ज्यादा कंबाइंड लोग मार दिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 50,000 लोग मारने के बाद भी जो आम शिया हैं और आम सुन्नी अभी भी अपने आप खुदियां करते हैं, अभी भी मिलजुल के रहते हैं, उनके ये नहीं है कि जी शियों का कोई मोहल्ला अलग है या सुन्नियों का अलग है। आपको सड़क पे कोई सुन्नी उठ के कोई शिया देखता है तो उसका सर नहीं फाड़ देता। ये एक जो बिरादरी रवादारी पाकिस्तान एक शिया ने बनाया, यू नो, ये मुख्तलिफ जगहों पे लोग आपस में मिलकर रहते रहे इतने सालों से, ये चेंज नहीं हो सकता। ये जो जो एक जो इथोस है पाकिस्तान का, इथोस वुड बी द राइट वर्ड, वो तो है, वो एक मिलजुल के रहने वाले लोग हैं और रहेंगे। सो ये ठीक है, इन्होंने अपना शो कर दिया, अब इनका जो है ना ड्रॉप सीन होने वाला है और वो ड्रॉप सीन जो है वो उसी वक्त उसकी जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में इंडिकेशन है वो ये है कि तेल की कीमत तेजी से $30 की तरफ जा रही है क्योंकि दुनिया में तेल का ग्लट है। अमरीका अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गए और अब जो है सऊदी अरेबिया की रेलेवेंस उसकी पावर खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा तो एक साल बाद आप देखेंगे कि उधर से वहां पे क्या होता है। अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। आले नातिक, आप से मैं सवाल करता हूँ कि ये जो शिया सुन्नी एक बाउंड्री एक मुकदमा पेश किया जाता है बाज़ मुबस्सिरीन बाज़ तजज़िया नगारों की जानिब से, उसमें ये एक जवाब दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो शिया नस्ल कुशी है वो दूसरे इलाकों में यानी खित्ते के दूसरे ममालिक में सुन्नी नस्ल कुशी का वो रद्द अमल है। आप इस पर क्या कहते हैं? जैसे अगर आपको मैं मिसाल दूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि हिजबुल्ला चूँकि दूसरे इलाकों में सुन्नियों को मार रही है तो हिजबुल्ला ही पाकिस्तान में जो है वो शिया नस्ल कुशी की वजह बन रही है या इस तरह की दूसरी जमातें जो मतलब दूसरे इलाकों में जैसे सीरिया या इराक में सुन्नी लोगों को मार रहे हैं तो वो उसको जवाब बना के पेश करते हैं कि पाकिस्तान में उसका रद्द अमल हो रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं? मेरा ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है जो, और एक ये उन्हीं आर्ग्यूमेंट और दलाइल का एक सिलसिला है जिसमें एक जो जेनोसाइडल प्रोपोर्शन है नस्ल कुशी की तर्ज पर जो शियों को मारा जा रहा है उसको वाटर डाउन कर ऐसे पेश किया जाता है कि शायद ये टिट फॉर टैट एक दूसरे को मारा जा रहा है। इसमें पहली बात तो यह है कि अगर जहां हिजबुल्लाह की मिसाल दी जाती है तो हिजबुल्लाह को कोई किसी भी नजर से देखता है, कुछ लोग उसे सियासी जमात के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग उसे दहशतगर्द जमात के तौर पर देखते हैं, कुछ एक रेजिस्टेंस गुरिल्ला फाइटर्स के तौर पर देखते हैं। लेकिन इस पर शायद सभी मुत्तफिक है कि हिजबुल्लाह की जो सारी कार्रवाइयां हैं वो किसी एक नजरिए की बुनियाद पर या मजहब की बुनियाद पर कसलो गैरत नहीं तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसमें एक चीज वाजे देखनी चाहिए कि अगर तो हम ये दलील मान भी लें कि शिया को इसलिए मारा जा रहा है कि बाकी इलाकों में जो है जो शिया कर रहे हैं उसका रद्द अमल है, तो इस चीज का जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान में जो अहमदी कम्युनिटी बसती है कि जो सुन्नी मकतबा फिक्र के दायरे में आती है उनको क्यों बेदर्दी से मारा जा रहा है। पाकिस्तान में जो सुन्नी बरेलवी बसते हैं कि जो सहाबा का एहतराम करते हैं और सुन्नी हनफी मकतबा फिक्र के मानने वाले हैं उनको क्यों बेदर्दी से दरबारों पर उनकी मस्जिदों में मारा जा रहा है, यहाँ पर मसीहियों को और हिंदुओं को भी मारा जा रहा है,
तो ये चीज तो बिल्कुल वाजह है, इस पर डेटा और एविडेंस मौजूद है और इसको डिनाई करने का की कोई दलील नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद है कि जो जो बंदी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ना सिर्फ शियों को बल्कि बाकी सबको मार रही है। उनका एक नजरियाती तौर पर एक एजेंडा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और उसके जो जो भी आते हैं उसे वो मार रहे हैं। और ये शायद वाजह है कि वो शियों को पहला टारगेट इसलिए समझते हैं कि उसको वो अपने नजरिए के मुताबिक काफिर भी कहते हैं और वो जो उनका ग्लोबल खिलाफत का एजेंडा है वो उसमें जो है एक रुकावट समझते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा अली, आप इस सवाल के बारे में आपका नजरिया क्या है? जो पाकिस्तान में शिया नस्ल कुशी हो रही है उसको दूसरे इलाकों में सुन्नी नस्ल कुशी की रद्द अमल के तौर पर जाहिर करना, आप इस पे क्या कहते हैं? मुख्तसर जवाब दीजिए। फिर हम भाई फजूल बात है जी, ये शिया नस्ल कुशी पाकिस्तान में आज तो नहीं शुरू हुई। ये पहला मैसेकर जो है वो ठेरी के मुकाम पे आज से 50 साल पहले हुआ था। उस वक्त क्या हो रहा था, मतलब कहाँ हो रही थी सुन्नी नस्ल कुशी, अगर अभी हो भी रही तो ये पिछला एक तसलसल चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़, अगर हम पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान में ये सब कुछ ज़ाहिर है देख रहे होंगे और परख रहे होंगे कि क्या हो रहा है और इस तरह एक्सट्रीमिज्म इस इंतहा तक पहुंच गई है और दूसरी तरफ हुकूमत की नाकामी भी सामने है सबके कि वो इस दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकी। दहशतगर्दी को कंट्रोल करना कुछ वो तो जो कातिल हैं उनको भी उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनको पकड़ना तो दूर की बात है। आप बताएं कि अगर हम इसको वेस्टर्न या यूरोप या दूसरे अगर ममालिक हैं जैसे असर रसूख रखने वाले इलाके ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर कुछ ऐसा कोई दबाव डाल रहे हैं या कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे एक्सट्रीमिज्म कम हो पाकिस्तान में? जी बिल्कुल कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा करने की जरूरत है। वो ये सऊदी अरेबिया के तेल के हाथों फंसे रहे हैं काफी अर्सा, लेकिन अब उसकी वैल्यू खत्म हो रही, ग्रीन एनर्जी आ रही है तो फिर उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसके अलावा फ्रैकिंग से अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर बन चुका है। ऑयल की प्राइसेस $50 या उससे नीचे जा रही है और सऊदी अरेबिया जो कि 100% अपनी इकोनॉमी को ऑयल पे ही चलाता है उसके लिए तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है इस वक्त फ्यूचर में। और जब जैसे उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो जो ये इनकी तकफीरियत को यहाँ पे बर्दाश्त किया जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनकी तकफीरियत फैलती फैलती इधर वापस आ गई है। यहाँ पे जितनी तकारीब जिसमें मेजर पोलिटिकल लीडर्स जो कांग्रेसमैन या सेनेटर्स उनकी उनसे जो बात होती है या जो उनसे उनकी जो बात सुनी जाती है उसमें सिवाय टॉलरेंस, और ये लोग बहुत कंसर्न हैं कि जो कुछ यूरोप में इस वक्त हो रहा है अमरीका में ना शुरू हो जाए, तो ये इसको खत्म करना चाहेंगे और बहुत सीरियस एक्शन इसके ऊपर लेंगे। और अगर कोई पाकिस्तान में पॉलिटिशियन मसलन चौधरी निसार इनमें से किसी से हाथ भी मिलाता है तो उसको यहाँ पे एंट्री बंद हो जाएगी, उसके अकाउंट नवाज शरीफ के अकाउंट जो सिंगापुर थाईलैंड इधर उधर डॉलर में ही होंगे उसके डॉलर फ्रीज हो जाएंगे। सही, और ये मैं इनको अभी से एक किस्म की एक बिरादराना मशवरा दे रहा हूँ कि ये काम बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दें और उनको उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। ठीक है, आलिया नातिक अभी हम देखते हैं इस मसले को थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ एजेंसियों की बात करें जो इस इलाके में ऑपरेट कर रही हैं जैसे भारतीय या इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, इनका क्या किरदार आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर? मेरे ख्याल इस पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, खासतौर पर जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि शिया नस्ल कुशी या पाकिस्तान में जो टेररिज्म है इस हवाले से भारतीय या जिस तरह आपने इसराइली एजेंसियों का नाम दिया इस पर मौजूद इंफॉर्मेशन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये मसला हमारा होम ग्रोन मसला है, हमारे ही मुल्क हमारे ही माशरे का पैदा किया हुआ है और ये सिर्फ एक ऐसा मसला नहीं है कि जो सतही लेवल पर हो, इसके दूर रस इसकी जड़ें जाती हैं, एक नजरियाती
मसला है और इसे हल करने के लिए हमें अपने अंदर ही लोग तलाश करने होंगे। दहशतगर्दी करने वाले भी हमारे अंदर लोग हैं, माशरे में एक शिद्दत पसंदी का रवैया लाने वाले भी हमारे ही मुल्क के लोग हैं और उनके ऑपरेटिव जो जाकर मस्जिदों, इमाम बारगाहों और दरबारों में धमाके करते हैं वो भी हमारे लोग होते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज से इन जमातों को फंडिंग मिलती है। हमारे पास डेटा मौजूद है कि सऊदी अरब सिर्फ यूरोप में हर साल 3 बिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करता है अपने वहां की सलफी नदियात को फैलाने के लिए। इसी तरह की फंडिंग वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी करते हैं और इन दहशतगर्द जमातों को फंडिंग करते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह से जो दहशतगर्द है वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं और पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बेल्ट है बलूचिस्तान और फाटा की वो वहां पर मौजूद रहते हैं और वहां तरीके तालिबान और सिपा साहबा का जो नेक्सस है इनके साथ तरबियत पाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मेरा ख्याल है ये बैरूनी मसला नहीं है, हमारे मुल्क का अंदरूनी मसला है और हमें अंदर ही इसकी जड़ें तलाश करनी चाहिए। ठीक है अली ताज, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ये दहशतगर्दी की लहर है जिसके पीछे ये एक सोच कार फरमा है जो सबको पता है, आप हम इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की जो मजहबी दूसरी मजहबी जमातें हैं उनके लीडरान को किस किस्म की अप्रोच अपनानी चाहिए कि लोग इनसे नफरत करें और अल्टीमेटली हुकूमत में जो साहिब इख्तदार हैं उनको ये रियलाइजेशन हो कि हम गलत कर रहे हैं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए? इनको तो पहले ये समझना चाहिए जो पाकिस्तानी आवाम है कि ये बिल्कुल जो जैसे कहते हैं स्कूल यार्ड बुली या एक हकीर से बदमाश की हैसियत रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये पीछे से वार करके, बुजदिलाना वार करके, अपने किसी को ब्रेन वॉश करके बमशम फाड़ देते हैं, ठीक है ये लोगों को मारते हैं और ठीक है ये, लेकिन इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको गालियां देनी चाहिए और इनको बताना चाहिए कि तुम दहशत कर दो, अपने खुल के बात करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और एहतजाजों पे जाना चाहिए खुर्रम लकी के साथ या जिब्रान के साथ और जाएं जाके शिया और सुन्नी इकट्ठे हों, सुन्नियों को शियों की मस्जिदों में नमाज पढ़नी चाहिए और शियों को सुन्नियों की मस्जिदों में नमाज पढ़नी चाहिए ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई हम लोग एक हैं और ये जो है ये दहशत गर्द हैं जो तकफीरी देवबंदी हैं, जो तबलीगी जमात वाले हैं या जो ASWJ वाले हैं ये दहशत गर्द हैं, इनको आइसोलेट करें, इनको बताएं कि ये कौन है और ये तकफीरी देवबंदी हैं, जो शिया और सुन्नी हैं वो इकट्ठे खड़े हैं इनके खिलाफ और ये बहुत सारे लीडर इस पे बात कर रहे हैं, हामिद रजा साहब हैं इसमें और बहुत सारे लीडर हैं, ताहिरुल कादरी साहब बहुत बड़े लीडर हैं वो भी यही बात करते हैं। सो जो ये मार्जिन पे लोग हैं इन्हें मार्जिनलाइज करें और बताएं कि ये कौन है, बाहर निकले अपनी बात क्लियरली बताएं। अवाम का काम है कि वो डरे नहीं और वो इकट्ठे होके अपना पुरअमन एहतजाज करें कि इनको जो है बिल्कुल खत्म किया जाए, इनसे कोई बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस सवाल को आगे मैं बढ़ाता हूँ, आलिम नातिक से मैं पूछता हूँ कि जैसे अली ने बताया कि आवाम में अवेयरनेस होनी चाहिए और इनको डिस ऑन करना चाहिए ऐसी पार्टियों को और इस तरह के लोगों को अपनी सफ़ों में शामिल ही करना चाहिए। सिविल सोसाइटी के हवाले से हम बात करते हैं तो पिछले दिनों एक एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद काफ़ी जगहों पर जिस तरह उनके सरकर्दगा रहनुमा हैं क्या खुर्रम ज़की हो गए, जिब्रान नासिर हो गए, उन्होंने एहतजाज किया इस तरह की जमातों के खिलाफ और उन के जो लीडरान हैं उनको अरेस्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन हमने देखा कि उन प्रोटेस्ट में वो तादाद नहीं थी, लोग उसमें उतने शामिल नहीं हुए, तो इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहात है, पहले तो ये सवाल बहुत किया जाता है कि बहुत सालों से एहतजाज हो रहा है और शिया नस्ल को शिया टेररिज्म पे आवाज उठाई जा रही है तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा और एक मायूसी की इसमें लहर है, तो इसमें एक चीज तो सब आवाम को ये देखनी चाहिए कि एक दो उसमें पॉजिटिव चीजें हुई हैं। एक अच्छी बात ये हुई है कि जो शिया और सुन्नी लीडरशिप है उन्होंने एक अलायंस क्रिएट किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MWM और
इस तरह की जमातें इकट्ठे प्लेटफॉर्म से एहतजाज भी करती हैं, एक दूसरे के एक नजरिए को भी समझती हैं। उन्होंने ये भी रियलाइज किया है कि इस मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें दोनों को टारगेट किया जा रहा है और एक ही तरफ से दहशतगर्दी की जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन है, एक बहुत अच्छा पोलिटिकल अलायंस है, शायद बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसमें कमी इस चीज की है कि इसके अंदर अहमदी कम्युनिटी की लीडरशिप को, हिंदू या क्रिश्चियंस की लीडरशिप को भी शामिल किया जाए। ऐसे कुछ इवेंट्स पिछले 1-2 साल में हुए हैं जो कि शिया लीडरशिप ने लाहौर में अरेंज कराए, जिसमें उन्होंने हिंदू, क्रिश्चियन और अहमदी कम्युनिटी को भी इन्वाइट किया। और लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश है कि सब माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि ये दहशतगर्दी है, ये हम सबके खिलाफ हो रही है और इसमें हम सब मुत्तहिद हैं, ताकि जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो सिंगल आउट हो जाए। दूसरी चीज इसमें आपने जो सवाल किया कि एहतजाज में कम लोग क्यों होते हैं, उसमें एक बुनियादी मसला जो अभी भी रिमेनिंग है वो ये है कि जो नरेटिव है दहशतगर्दी के मसले के ऊपर उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हमारी आवाम अभी भी इस कंफ्यूजन का शिकार है, बहुत से लोग अभी भी इसमें डिनाइल के में जाते हैं, कहते हैं कि ये बैरूनी साजिशें हो रही हैं और इसमें पाकिस्तानी मुलविस नहीं है। एक आम आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये मुसलमान ही नहीं हो सकते, उनकी शलवारें उतार कर चेक किया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि अभी भी हम इनिशियल स्टेज में है दहशतगर्दी के मसले को हल करने में, और वो स्टेज होती है कि जहां हम एक्सेप्ट करते हैं कि मसला क्या है, उसे क्लियरली डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो अभी इस मसले पर क्लैरिटी नहीं है। अभी भी अगर कुछ सुन्नी किसी इकदात में शामिल होते हैं जो शिया नफरकुशी के खिलाफ, तो शायद उनके जहन में ये होता है कि वो सेक्टेरियनिज्म फैला रहे हैं। ये पाकिस्तान में ये लफ्ज टैबू बन गया है कि अगर आप लफ्ज शिया इस्तेमाल करें या देवबंदी इस्तेमाल करें तो आप किसी तरह से फिरका वारियत फैला रहे हैं। हालांकि ये चीज बिल्कुल वाजह है कि दहशतगर्दी देवबंदी जमातों की तरफ से की जा रही है और उसका निशाना बनने वाले शिया, बरेलवी, अहमदी सब है। तो इस चीज में आपको यार नहीं होना चाहिए कि इन लफ्जों को, इन शनाख्त को इस्तेमाल किया जाए। और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ ज्यादा लोगों में शोर पैदा होगा और जरूरत अभी भी है कि ज्यादा लोग इस पर आवाज उठाएं। अगर सड़क पे नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। एक्टिविज्म और ब्लॉगिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इससे आहिस्ता आहिस्ता जो आवामी शोर है उसमें इजाफा होगा। ठीक है, आर्यन आतिक ने बात की है, अली ताज जैसे अवाम में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, तो आप क्या देखते हैं कि साने पिशावर होता है, इतना बड़ा वाकया होता है, उसके बाद शिकारपुर का वाकया, पिशावर का वाकया, फिर पिंडी में दो वाकयात हो जाते हैं, इसके बाद भी क्लैरिटी नहीं आती, तो फिर कब आएगी? आप कितने उम्मीदवार हैं? क्लैरिटी कैसे है? अवाम डिपेंड करती है मीडिया पे, मीडिया है जियो, जियो बुलाता है लुधियानवी को, कैसे क्लैरिटी है? जो लोग सही बात करते हैं जैसे रोशनी है, आप लेना देखे यहाँ पे बैठे हैं, आप खुद पूछ लेना कितनी दफा बैन हो चुके हैं, LUBP के पेजेस कितनी दफा ब्लैकआउट हो चुके हैं, और अभी भी वहाँ पे ताहिर अशरफी जो है उलमा काउंसिल के लीडर, जो के सबसे बड़े हेट मंगर हैं, वो जो है फिर थ्रेटन कर रहे हैं कि हम जी आपको बैन कर देंगे और उनके पिट्ठू बैन कर देंगे। तो जो डिस्कोर्स है वहां पे सही बताया नहीं जाता अवाम को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपको पता ही उनसे डरती। तो ये एक कनंड्रम है, और इसमें आले नातिक में मैं थोड़ा सा सब चीजों को कंक्लूड कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा कि आर्मी को एक लीडिंग रोल लेना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, तो ये तबलीगियों और सिपाही सहाबा देवबंदी तकफीरियों से निजात के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, दोनों से सवाल, शायद आखिरी सवाल हो कि आप लोग एक अपना अपना प्लेटफॉर्म जो है, जो भी है, आप लेट अस बिल्ड पाकिस्तान के हेड हैं और आर्यन आतिक आपका भी एक प्लेटफॉर्म है रोशनी जैसे कह रहे हैं, तो आप जिस तरह ये तकफीरी या दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके खिलाफ आप खुल के लिखते हैं, तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? किस तरह के लोग आपको जवाब देते हैं? क्या धमकियां मिलती हैं? क्या होता है आपके साथ?
जिस सबसे बड़ा इसमें जो रुकावट है वो तो रियासती साइड से आती है कि आपकी जो रियासती इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी शामिल है वो इस तरह की वेबसाइट जो एक रियासती नरेटिव और आपके मीडिया के नरेटिव से हट के बात करती है उनको बार बार क्या करता है, उन्हें बैन किया जाता है। जो जो शायद सबसे बड़ा मसला है जो हम सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते हैं उस पर फेस करते हैं। बाकी इसमें यह बात भी है कि जिस तरह का नरेटिव या जो डिस्कोर्स हम पेश करते हैं अब वो एक मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स से हटकर होता है, उसकी सोसाइटी में माशरे में एक्सेप्टेंस अभी कम है, तो उस पर बहुत सारी थ्रेट्स और गाली गलौज और अब्यूसिव मटेरियल भी आता है। लेकिन शायद वो इस प्रोसेस का हिस्सा, अगर आप एक ऐसी बात करेंगे जिसकी अभी माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है तो शायद ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो लेकिन मेरा हाल सबसे बड़ा मसला यही है कि जो रियासी बैंड है जो कर्ब ऑन फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है वो शायद सबसे बड़ा मसला है। ठीक है अली, आप एक मिनट है आपके पास, आप इस चीज का जवाब दीजिए और थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि शिया नस्ल कुशी के जो ये फजा कायम की जा रही है और ये जो कुछ पार्टी है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ पे कितना असर हो रहा है? ऑपरेशन ज़र्ब अज़ जब तक शहरों में नहीं आएगा जहाँ पे इनके गार्ड है, अब लाल मस्जिद खुली हुई है उसको जब तक नहीं बंद करेंगे और एक बहुत मेजर ऑपरेशन सिटीज में नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। वही तो उनके हाइड आउट से उधर जाके मारते हैं इनको, तो इधर भाग के आके इस्लामाबाद उच पे जाते हैं क्या फायदा। दूसरी मैं अलग की बात एक्सटेंड करता हूँ जल्दी से, वो ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ऐसी बातें करते हैं जो भी एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि टैबूड है। अब आज से 3-4 साल पहले देवबंदी किसी को पता ही नहीं था कि कौन है, तो अब जो है डेटा भी यही शो कर रहा है कि देवबंदी मदरसे से निकल के बेनजीर को, यानी अवेयरनेस आ रही है। ठीक है और तो हमारा तो काम है अवेयरनेस लाना, जो काम मीडिया नहीं कर रहा वो काम हमने करना है। ठीक है तो ठीक है, हमें हमें रोज डेथ थ्रेट आते हैं आए, हमें परवाह नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर अपनी खुशी के लिए मारना है मारे, हमने सच्ची बात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अब्बासताज, हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से, लेटेस्ट बिल पाकिस्तान के आप चीफ एडिटर हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद थे आलिया नातिक, आप राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं और रेगुलरली लिखते भी हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे कुछ अवामिल जो कार फरमा हैं उनके बारे में हमने बात की तफसीलन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करें और लोगों में अवेयरनेस लाएं कि असल मुहरिकात या असबाब क्या हैं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं वो मसरूफ़ हैं, सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं 5 तारीख को, तो सारा फोकस उधर है और दहशतगर्दी के हवाले से कोई अहम इकदाम नहीं होते हुए नज़र आ रहे। आज का हमारा प्रोग्राम नाज़रीन इतना ही, अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक्स के दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम facebook.com/hidayatmagazine पर रात गए उसके बाद देख सकेंगे। इसके अलावा आप कोई कमेंट्स भी देना चाहते हैं तो आप वहां दे सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।